अभी आज के ज़माने में आप ओल्ड टाइम के ड्रेसेस इतने नहीं पहन सकते हो, लेकिन उनके इन्फ्लुएंसेस ज़रूर आते हैं एंड आई लाइक दैट. काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ऐसे लगता है कि यू नो वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म जो कहते हैं, पुराने ज़माने का जो फीलिंग है, वो कभी कभी आप में भी वो फीलिंग जागती है कि यू नो इट फील्स लाइक ओ माय गॉड आई एम फीलिंग सो ओल्ड एंड ट्रेडिशनल. एंड यू नो रोमांटिक सीजन चल रहा है, वैलेंटाइन्स डे. यस, एनी स्पेसिफिक प्लानिंग होती है आपकी तरफ से? आई थिंक वैलेंटाइंस डे एक दिन होता है जहाँ हम सब प्यार सेलिब्रेट करते हैं, एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद द पर्सन आई लव द मोस्ट, दैट्स माय मॉम. तो मतलब यू मॉम एंड जितने भी लोग हैं, ऐसी कुछ प्लानिंग होती है चलो आज किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे? नहीं, आई थिंक ये रोज़ की प्लानिंग होती है जब भी हम मिलते हैं, बट आई थिंक वैलेंटाइंस डे एक ऐसे यू नो लाइक दिन हो गया है जहाँ मर्चेंडाइज बहुत ज़्यादा होता है, लोग शॉप्स में ज़्यादा सेल्स होते हैं, सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट व्हाट द शॉप्स आर क्रिएटिंग लाइक अ डे. हम रोज़ प्यार सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड डू. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. फ्यू सेकंड्स, थोड़ा सा पॉज. आप अभी भी फोटो ले सकते हो, आप अच्छी फोटो आएगी क्योंकि वो कैमरे के सामने पोज कर रही है. पांच लड़कियों का जो अभी भी कायम है, एंड हम दे आर माई फर्स्ट फ्रेंड्स इन लाइफ. लाइक जब हम स्कूल में पहले फ्रेंड्स बनाते हैं, ये उन चंद लोगों में से जिन जो मेरी पहली दोस्त बनी लाइफ में. एंड जब हम सातवीं क्लास में थे, हमने एक वादा लिया था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और ये डिज़ाइनर बनेगी, और जब मैं एक्ट्रेस बनूंगी तो ये मेरे लिए कपड़े बनाएगी. और ये हम लोग ने समोसे खाते हुए हमने ये वादा लिया था. Because it's so clear. I remember she got her offer for her first film. Yeah. I think we were in the 9th or something, and she came and she told me, and we were like, and we yelled, and the entire canteen stared at us, and that's when we decided that now we have to do this. That she's going to be an actress, and I'm going to be a designer, and I'm going to make her beautiful clothes. Today I am wearing Oila. It's all come true by God's grace. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आज मैंने Oila के कपड़े पहने हैं, and वैसे इसके पहले भी पहन चुकी हूँ, but I think out there first time showcasing something that she's worn, and today I'm here basically at the runway project to support the work that she's done. जो मिलान फैशन वीक में जो भी उन्होंने शोकेस किया था वो इस वो आज देखने मिला है मुझे. ऑल्सो शांत्रियाल जो आज कलेक्शन दिखाया है उन्होंने, जो उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है, वो इंस्पायर्ड है उनके मिलान कलेक्शन से. एंड आई बिलीव दैट ऑल द स्टफ दैट इज़ बिन शोकेस्ड एट द मिलान फैशन वीक वॉज मेड इन इटली. And it's a lot of, you know, European embroidery on Indian clothing, and that fusion between Indian and Western. So I guess people who live abroad and still want to enjoy Indian clothes, you know, have that
kind of a mix and enjoy Indian clothing through Ohaila's collections. Valentine's Day? Yes, it's Valentine's Day tomorrow. But apart from that, I just think I actually made this dress because I think Tamanna looks beautiful in color and I love the color red on her. Like, I think she literally is made for the color red. Whenever she wears red, she looks beautiful. So I wanted her to wear a red color dress. आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया कि ये ड्रेस पहन के मुझे घूमना चाहिए बाहर. हाँ, टुमारो आई विल रोम अराउंड इन दिस ड्रेस. पता नहीं जहाँ भी मतलब प्रिंस चार्मिंग कहाँ पर भी मिल जाए बस रेडी हो जाऊंगी. यहाँ करेक्ट ड्रेस बनाया, थैंक यू ओला. सी दैट्स व्हाई फ्रेंड्स डू द दे ऑलवेज गिव द राइट आउटफिट टू वेयर, यू नो. फ्रेंड्स जस्ट नो. ओके, जो आपकी क्वीन क्वीन का रीमेक जो आप कर रहे हो, फिल्म तैयार हो चुकी है. वी आर वेटिंग अ रिलीज, होपफुली मार्च या अप्रैल में हमें डेट मिलेगी. जब डेट मिलेगी, हम द ट्रिकी पार्ट इज हम चारों जो फिल्म है जो द तमिल तेलुगू कन्नाडा मलयालम वर्जन ऑल नीड्स टू गेट रिलीज एट द सेम टाइम. सो वी आर जस्ट फाइंडिंग वन पर्टिकुलर डेट वेयर ऑल द फिल्म्स कैन कम टुगेदर, बिकॉज दैट वुड बी रियली कूल, राइट? बिकॉज चार अलग फिल्में हैं बट सेम फिल्म है, एक ही दिन पर रिलीज होना काफ़ी कूल होगा. आप इनकी फिल्में देखती हैं? हाँ, मेरा मजाक उड़ाती है. जब मैंने शुरुआत की थी, अब आई रिमेंबर आई वॉच द फर्स्ट वन ऑल्सो, शी सीन ऑल माय फिल्म्स एंड शी सीन द वर्स्ट एंड द बेस्ट. आई वॉच डब्ड वंस ऑन टीवी लाइक ऑन स्टार गोल्ड एंड ऑल दिस शो एंड स्टफ. बाहुबली आई हैवंट सीन. या द बेस्ट फिल्म आई हैवंट सीन वाज पॉसिबल, बाकी एवरीथिंग एल्स आई हैव सीन लाइक द वेरी लाइक अनहर्ड वंस, बट आई हैव सीन माय बेस्ट फ्रेंड हैज नॉट सीन द बेस्ट बाहुबली. सी दैट, बट आई लव द बेस्ट. आई डोंट नीड टू वॉच बाहुबली टू लव. करेक्ट, आज ही देखने वाला. हां, आपने आपने नहीं देखी? मैंने देखी आज ही. आई थॉट यू सेड आज ही देखने वाला हूं. हां, मुझे देखनी चाहिए. हां जी. उनको जो चाहिए वो कभी भी मांग सकती है, मतलब से मांग. हाँ, ये बना के दो. ओके जी, थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच. एक साथ में थोड़ा विजुअल करेंगे सब आप.